डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज एंड रेगुलेशन विद रेलवेंट टू वर्कर्स कम्पनसेशन वर्कर्स कम्पनसेशन का ये मतलब है कि जो इम्प्लाई ऑर्गनाइजेशन में काम करेगा उसके रिवार्ड कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे उसको फाइनेंशली कैसे डील किया जाएगा उसकी सैलरी कैसे एडजस्ट की जाएगी उस बंदे के इंटरनजिक एक्सट्रेंजिक रिवॉर्ड को कैसे देखा जाएगा कि अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको हमने वेल्डन well कहना है अगर उसकी रिस्पांसिबिलिटी पहले से इनक्रीज कर गई है तो उसकी सैलरी में इजाफा करना है या उसको अपवर्ड प्रमोशन देनी है इन सब चीज़ों को हम वर्कर्स कंपनसेशन कहते हैं वर्कर्स कंपनसेशन लाज हैं आर नॉट यूनिफॉर्म फ्राम स्टेट टू स्टेट ये लाज स्टेट टू स्टेट मीडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ अगर उस हट के पाकिस्तान में भी देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ एप्लीकेबल हैं टू वर्ल्ड द होल पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिमम वेज रेट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ अगर पाकिस्तान में ये मिनिमम वेज रेट है तो इसकी एप्लीकेशन तमाम इंडस्ट्रीज़ में होनी चाहिए तमाम गवर्नमेंट अदारों में होनी चाहिए तमाम अटोनमस अदारों में होनी चाहिए सेमी गवर्नमेंट अदारों में होनी चाहिए इस तरह काफ़ी हद तक आप लोग लिटिगेशन से बच सकते हैं इन फैक्ट देर आर एक्सट्रीम वेरिएशन कुछ स्टेट्स में भी इसकी वेरिएशन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लेबर फोर्स आपको आसानी से मिल जाती है वहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि सैलरी कम पे की जाती है तो जिन स्टेट्स में इम्प्लाईज़ आसानी से अवेलेबल नहीं वहाँ पर डिमांड सप्लाई का लाभ एग्जिस्ट करता है कि आपकी सप्लाई कम है प्राइस ज़्यादा हो जाएगी डेफिनेटली जब लेबर की सप्लाई कम होगी वो ज़्यादा डिमांड करेंगे यू हैव टू पे दैम हाई तो इस वजह से भी वहाँ पर वेज रेट ज्यादा हो सकता है इसके कुछ बेसिकली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव हैं रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम रिहेबिलशन ऑफ द इंजर्ड एम्प्लाई प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट कास्ट एलोकेशन एम्प्लाई को जब कंपनसेट करना है तो इन चीज़ों का ख्याल करना है कि अगर एक एम्प्लाई को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वो जो एम्प्लाई पहले वाला है जिसको रिप्लेस किया उसकी इनकम पे इफ़ेक्ट तो नहीं होगा क्या फ़ायदा होल लाइफ जब तक उसकी रिटायरमेंट एज थी आप कंपनसेट कर रहे हैं सैलरी उसकी कंटिन्यू रहेगी जैसे कि पाकिस्तान में ला है अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस डेड हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है तो टेल रिटायरमेंट उसकी सैलरी कंपनसेट बेनिफिट्स वगैरह एम्प्लॉय उसकी जो लीगल बुरा हैं उनको पे किए जाते हैं इसी तरह अगर इंजर्ड एम्प्लाई है तो उसकी सेटलमेंट तक आप उसको पे करेंगे जब तक कि वो दोबारा काम पे आ नहीं जाता प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट और ऐसे काम करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि एक्सीडेंट की नोयत ही पैदा ना हो इसको भी हम वर्कर्स कम्पनसेशन की सेंस में लेते हैं ओवरव्यूज ऑफ वर्कर्स कम्पनसेशन दर्कर्सेशन डिवेल्प एज अ वे टू अलाउ इंजर्ड एम्प्लाई टू बी कम्पनसेटेड अप्रोप्रेटली विदाउट हैविंग टू टेक है एम्प्लॉयर टू द कोर्ट इसमें यह स्टूडेंट्स मैं दो बातें बताना चाहता हूँ एक तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोली आपके सामने ये है और नंबर टू ये है कि लाजमी नहीं कि एम्प्लॉ आपका इंजर्ड हो तो आप उसे कम्पनसेट करें अगर हेल्थ फ्री इन्वायरमेंट वहाँ पे है अगर हैजर्ड फ्री इन्वायरमेंट हो हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट हो एम्प्लॉ को मैंटली रिलेक्स रखें जितना काम वो कर सकता है उसकी एबिलिटी के मुताबिक काम लिया जाए ड्यूटी रोस्टम बना हो पूरे वीक का और इम्प्लाई की आउट दी ऑफ दी जॉब चीजों का भी ध्यान रखा जाए वर्क लाइफ बैलेंस का ख्याल रखा जाए तो काफ़ी हद तक आप अपने एम्प्लॉय को कम्पनसेट कर सकते हैं द अंडरलाइंग रेशन फॉर दर्कर कंपनसेशन है टू आस्पेक्ट नंबर वन फेयरनेस टू इंजर्ड एम्प्लाई रिडक्शन ऑफ कास्ट टू एम्प्लॉय एसोसिएटेड विद वर्क प्लेस इंजरीज फॉर एग्जाम्पल लीगल इमेज एंड मॉरल कास्ट ये तीन तरह की कास्ट मैंने डी ए स्टूडेंट्स आपके लिए लिखी हैं तो इन तीनों का ये मतलब है कि अगर इम्प्लाई इंजर्ड हो जाता है तो डेफिनेटली कोर्ट में वो आपको ले जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन का इमेज रिप्यूट लास्ट का बायस बन सकती है और मॉरल एथिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन मॉरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देती है तो काफ़ी हद तक आप इन चीज़ों को वैसे ही कंट्रोल कर लेंगे इम्प्लायर इम्प्लाई का ख्याल रखेगा और जिस जगह पे इम्प्लायर इम्प्लाई का ख्याल रखे वहाँ पे एहसास डेवलप हो जाएगा और जहां पर रिलेशनशिप एहसास पर बेस करेगा तो डेफिनेटली एम्प्लाई भी अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट करके ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा और लास्ट में मैं डी स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ वर्कर कम्पनसेशन रिप्रजेंट्स आ कम्प्रोमाइज बिटवीन द नीड्स ऑफ एम्प्लाई एंड द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की नीड्स क्या है वो ज़्यादा काम लेना चाहता है ज्यादा प्रोडक्शन लेना चाहता है ज़्यादा आउटपुट लेना चाहता है कॉस्ट कम से कम पे करना चाहता है और इम्प्लाई क्या चाहता है एम्प्लाई ज़्यादा सैलरी लेना चाहता है अच्छा इमेज अपना डेवलप करना चाहता है अच्छी पोजिशन पर काम करना चाहता है और ये दोनों लोग आपस में कंप्रोमाइज़ करके एक मिडिल लेवल पर पहुँचते हैं जिसको हम कहते हैं ओवर व्यूज ऑफ वर्कर्स कंपनसेशन